हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ 8th क्लास का सेकेंड चैप्टर का। उसमें आप कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है जो आपको एग्जाम में आएगी वो आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 8th क्लास के सेकेंड चैप्टर में हम लोगों को ये प्रश्न आती है, या सबसे पहले उसके चैप्टर्स का क्या नाम है वो हम लोग जान लेते हैं। चैप्टर का ये नाम है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोगों को ये जानना होगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग इसको परिभाषित करके अगर जानेंगे तो इसमें ये कहा जाता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण एक वैसी समीकरण होता है जिसमें एक चर के साथ या एक वेरिएबल के साथ एक डिजिट को ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार की जो भी समीकरण आती है तो उसको हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कह देते हैं। जैसे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण को लिखने का तरीका ये है, जैसे कि हम लोग एक्स प्लस वन कर देते हैं तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें x जो है एक वेरिएबल होता है और 1 क्या है, एक डिजिट है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, या उसको हम लोग पॉलीनोमियल बोल देते हैं, बहुपद बोलते हैं, उसी का सभी एक भाग होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को बढ़िया से समझ लेंगे। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण में मैंने बताया कि x प्लस 1 ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। इसी में अगर हम लोग कुछ जोड़ते हैं, जैसे कि x प्लस 2 हो गया, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी में और भी हम लोग कुछ जोड़ देंगे तो एक समीकरण बन जाएगा। जैसे कि एक्स प्लस 3 जोड़ दिए, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अगर हम लोग कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि y ले लेते हैं, y प्लस 2 कर देते हैं, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। मतलब a से लेकर z तक में अगर कोई भी लेटर होता है तो मैथ की भाषा में इसको हम लोग वेरिएबल बोल देते हैं। तो बस a से z तक में कोई भी लेटर होगा और उसको अगर हम लोग डिजिट के साथ जोड़ते हैं तो वो एक समीकरण बन जाती है। और जैसे समीकरण बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। जैसे एक x के साथ है तो उसको हम एक चर वाला बोल देंगे। तो इसी में हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन के रूप में बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन आता है एक चर वाला रैखिक समीकरण में, बड़ा सिंपल होता है, हम लोग आसानी से बना लेंगे। इसमें हम लोग को क्वेश्चन ये आएगी, कहेगी, इसमें कहता है कि आप एक चर वाला रैखिक समीकरण में x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक चर वाला रैखिक समीकरण में क्या कीजिए, x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग को बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको इसमें एग्जाम में मोटे मोटे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे इसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं खाट तो क्वेश्चन कैसे होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले पूछेगा कि इसमें एक समीकरण टाइप में क्वेश्चन दे देगा, इस तरह से लिख देगा कि ये इस समीकरण में सबको हल करें। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक्स प्लस 2 इक्वल 5। अब ये हमारा एक समीकरण हो गया, और जैसे ये समीकरण हो गया तो इस समीकरण में हम लोगों को कहेगा कि एक्स का वैल्यू रिसीव कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक्स इक्वल हम कह देंगे 5 और माइनस 2, तो हम लोग का हो जाएगा x इक्वल कितना, 3 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू निकल गया। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण के माध्यम से हम लोग क्या किए, x का वैल्यू ज्ञात कर लिए। तो इसी प्रकार में आप इसी में आता है योगता के रूप में आता है, उसके फिर गुणनफल के रूप में आता है, और भाग विधि के द्वारा आता है। इसी में बहुत सारा तरीका है जो सभी को हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे। तो हम आगे आपको हम फिर से बताते हैं, जैसे कि एक आध दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को बोल देगा कि आपको यहाँ पे 16 दे दिए और इक्वल दे दिए, और आपको y दे दिए, y 5 दे दिए। तो इसमें कहेगा कि आपको मतलब इस समीकरण को ज्ञात करना है या इससे y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मेरा फ्रैक्शन में है वाई बाई फाइव, जैसे मेरा फ्रैक्शन में है तो हम लोगों को इक्वल साइन के बाद अगर उस पार में जो भी मेरा डिजिट है या नंबर है उसमें क्या करेंगे, उसको भी हम लोग फ्रैक्शन में बना लेंगे। यानी कि उसके नीचे एक दे देंगे, बटे करके बना देंगे, भिन्न में बना लेंगे। जैसे भिन्न में बनाएंगे तो सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग गुना करेंगे, इस तरह से क्रॉस में गुना करेंगे। तो y को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ ओनली y हो जाएगा। उसके 16 को 5 से गुना करेंगे तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। तो इसी टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपको, जो सिंपल से बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे का तो और हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं कि वन एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे बनाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे दिया हम लोग का एक अगला क्वेश्चन 7x हो गया, फिर 9 हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग दे दिया 10 दे दिया, और इसमें हम लोग को कहेगा कि आप x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम लोग सिंपल तरीके से फिर से करेंगे। इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण में x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे वही चीज़ है। तो चलिए x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो जैसे हम लोग 7x का 7x इक्वल लिख देंगे, फिर इक्वल टू का साइन दे देंगे, और हम लोगों का आगे कितना है 10 है, तो हम लोगों का जो डिजिट है 9 वाला उसको क्या करेंगे, इक्वल टू साइन के उस पार कर देंगे, तो उसका साइन एक्सचेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया होंगे इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है, जैसे कि मैं प्लस 9 को
हम लोग माइनस 9 करते हैं जिसका एडिटिव इनवर्स माइनस 9 हो जाता है। तो इसी यही चीज़ है, जैसे कि एक्स 7x हम लोगों को निकालना है, इसमें घटाएंगे सिर्फ ओनली 1 हो जाएगा। और जैसे इसमें ओनली x का अगर वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कितना हो 1/7 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण का x का वैल्यू ज्ञात होना। तो इसी रूप में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो आपको एकदम ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा ही नहीं, इसमें सिर्फ इस तरह का रहेगा, एक डिजिट रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा, आप लोग को कहेगा निकालने के लिए, तो बड़ा आसानी से निकाल लीजिएगा। और इसमें वैसे कोई दिक्कत की बात है नहीं, अगर इसमें अगर मान लेते कि एकाध को डिफिकल्ट देता हम लोगों को क्वेश्चन, जैसे मान लेते क्वेश्चन डिफिकल्ट कोई दे दिया, जैसे कि यहाँ पे 2x दे दिया, फिर प्लस 5 दे दिया और इक्वल 9x दे दिया, इसमें हम लोग कहेगा कि इस समीकरण में आप लोग x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण में हम लोग x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहले जो होगा मतलब एक जो कास्ट में होगी, नंबर हो या डिजिट हो, सबको क्या करेंगे एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 9x है इक्वल टू साइन के उस पार है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस पार ही रहने देंगे, बस सिर्फ जो 2x है उसको उस पार कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 9x को पहले लिख देंगे, 2x को उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x और इक्वल टू का साइन होके कितना हो जाएगा 5। हम लोग घटाएंगे तो 9x में से 2x घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7x, 7x इक्वल कितना हो जाएगा 5। और जैसे हम लोग फिर से x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसमें हो जाएगा हम लोग को 5/7। तो सेम इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, इसी में डिफिकल्ट थोड़ा दे देगा, इसमें 2-4-5x करके दे देगा, 2-4-5x जोड़ देगा एक साथ और कहने कहेगा कि आपको इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। बड़ी बस सिंपल सी, बस एक कास्ट में जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक कास्ट के रूप में जोड़ देंगे, जो मेरा डिजिट होगा उसको उसके साथ जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हम लोग इक्वल टू के साइन के उस पार करके और उसके बाद भी हम लोग एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बस हम लोगों को ये एक चर वाला रैखिक समीकरण में कुछ है नहीं, ग्राफ वराफ कुछ बात बताया नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ ग्राफ का बात बनेंगे। जैसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण जैसे ही पढ़ेंगे तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो चर आ जाएगी, उसका फिर एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दोनों को हम लोग हल करके, हल करने के बाद फिर ग्राफ सिस्टम से बनाएंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। उसमें बहुत सारा और भी कंडीशन आती है, जैसे कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद उसमें जब ग्राफ कटती है तो कटने के बाद उसमें क्या बोलते हैं, ट्रेंगल आती है, ट्रेंगल को फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हल कर लेते हैं, मतलब बहुत सारा तरीका हो जाता है जिसको अलग अलग रूपों में हल करते हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा, आप थोड़ा सा जाके अगर आपके आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी बुक होगी तो आप जा करके थोड़ा देखिएगा, उसमें 2.6 में जाके देखिएगा, 2.5 में जाके देखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लेक्चर में होगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो उसको हम लोग कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाएंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं, आसानी से फिर कर लीजिएगा, उसमें कोई कुछ दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए थोड़ा देखते हैं इसमें, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं 2.5 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है ना 2.5 का एक नंबर क्वेश्चन ले लिए, इसमें थोड़ा एक वन वेरिएबल का ही है और उसमें थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें एक्स का वैल्यू वो थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें फ्रैक्शन देखिए, इसमें दो तरह से है, एक तो फ्रैक्शन एडिशन में है, एक तो फ्रैक्शन सबस्ट्रैक्शन में है। तो इसको बड़ा सिंपल से तरीका से हम लोग क्रिएट करेंगे, हल करेंगे, थोड़ा देखते हैं। जैसे हम लोगों का नंबर एक में आता है एक्स बटे दो, फिर माइनस एक्स बटे पाँच आता है, फिर x बटे 3 और उसका फिर 1/4। तो हम लोग कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि जैसे 2 और 5 का इसका एलसीएम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 होगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देंगे, फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे, 2 इसका डिविजिबल आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ ओनली 2 आएगा। फिर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन दे देंगे, फिर आगे का प्रोसेस जो है उसको करेंगे, जैसे कि 4 और 3 है, 4 और 3 का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, उसका 12 हो जाएगा। और जैसे ही 12 हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको डिवाइड करें, 3 को 12 से डिवाइड जैसे ही करेंगे इसका डिविजिबल आएगा वो 4 होगा, 4 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे उसका 4x हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे 4 को 3 से 12 से, तो इसका 3 आएगा, 3 को 1 से करेंगे, इस तरह से गुणा कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपस में फिर से क्रॉस में इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस में जैसे ही करेंगे तो जैसे हम लोगों का ये आ गया 5 और 5x और -2 है, इसको इनटू कर देंगे 12
फिर इक्वल टू का साइन दे देंगे उसका, फिर हम लोग 10 को 4x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 दे देंगे और इंटू 4x और प्लस 3। अब सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, देखते हैं क्या होता है। तो 12 × 5 = 60 एक्स, फिर माइनस 12 × 2 = 24 और इक्वल 10 × 4 = 40 एक्स, फिर प्लस 10 × 3 = 30। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक कास्ट में सबको एक कास्ट में ऐड कर लेंगे, जैसे कि अगर वेरिएबल और नंबर दोनों अगर एक साथ ऐड है तो उसको एक साथ कर लेंगे, फिर डिजिट जो होगा नंबर होगा उसको एक साथ कर लेंगे। जैसे कि हम लोग 60x और 40x, जैसे कि 40x क्या करेंगे इधर कर लेंगे तो फिर माइनस 40x हो जाएगा इक्वल, फिर ये 30 बच गया, फिर माइनस 24 को हम लोग क्या करेंगे उस पार कर देंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। तो फिर क्या करें, आपस में सबको सब्ट्रैक्ट और एडिशन सब जो होता है सब कर लेंगे। जैसे कि 60 में से 40 को घटाएंगे तो 20x हो जाएगा और फिर यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 54 यानी कि 54 हो जाएगा। और इसमें हम लोग जैसे x का वैल्यू रिसीव करेंगे तो कितना हो जाएगा 54/20। अब चाहे तो काट सकते हैं इसको, दो दो में काटिए, 27 × 54 10 × 20। तो यही इसका आंसर हो गया, यानी कि x का ये पहला चर का मान ये निकल गया। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा कुछ डिफिकल्टी भी क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप में बहुत सारा है जो 2.5 में इस प्रकार से आपको मिलेगा, तो एकदम आसानी से कर लीजिए। कुछ है नहीं, बस इसका सब्सट्रैक्शन, मतलब जो हम लोग फ्रैक्शन एडिशन और सब फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन जो बनाए थे सेम उसी प्रकार का है, उसको आपस में कर लीजिएगा, कुछ दिक्कत होगा नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से थोड़ा एक आध क्वेश्चन और थोड़ा डिफिकल्ट ले लेते हैं। जैसे कि आप थोड़ा जाइएगा, जैसे 2.5 का मैंने बताया, 2.5 का, और 2.6 में जाइएगा तो इसे भी थोड़ा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगी, तो उसको भी बड़ा आसान तरीका से हम लोग क्रिएट कर सकेंगे, बना लेंगे। तो जैसे हम देखिए, हम क्वेश्चन बता दें आपको, नंबर एक में जैसे कि यहाँ पे 8x है और माइनस 3 है और बटे 3x है और इक्वल टू है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये भी क्या है, तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे ये कैसा मेरा समीकरण है या कैसा समीकरण का बनने वाला क्वेश्चन है। तो हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था यह एक चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ इस समीकरण को आप हल कीजिए, इसमें जो वेरिएबल उसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था इसका तरीका तो कुछ है नहीं, सिर्फ इसमें कोई ना फॉर्मूला वगैरह कुछ लगता ही नहीं, बस सिंपल से तरीका से हम लोगों को इसको ज्ञात करना होता है। जैसे कि हम लोग मैंने बताया था कि जब कोई, देखो इसमें फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर या कोई संख्या कोई डिजिट अगर रहता है या कोई वेरिएबल टाइप का रहता है, अगर वो फ्रैक्शन में है तो आगे वाला को हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में बना लेंगे। जैसे कि 8x - 3/3x है तो आगे हम लोग को क्या है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को भी इसी रूप में बना लेंगे फ्रैक्शन के रूप में, जैसे ये फ्रैक्शन के रूप में ये भी इस फ्रैक्शन के, मतलब दोनों को भिन्न के रूप में बना लेंगे। और जैसे ही भिन्न के रूप में बना लेंगे तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब क्या करेंगे क्रॉस में सबको गुणा कर देंगे आपस में। जैसे कि 1 को हम लोग 8x - 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों को 8x - 3, फिर इक्वल टू का साइन दे देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 3x को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6x। और जैसे ही 6x हो जाएगा तो फिर मैंने बताया था कि आपको जैसे एक कास्ट में जो होती है, जैसे कि 8x और 6x दोनों का सेम मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 8x को इसी पार रहने देंगे और 6x को इधर कर लेंगे, तो -6x हो जाएगा, फिर इक्वल टू का साइन दे देंगे और -3 को उधर कर देंगे तो क्या इसका पॉजिटिव हो जाएगा 3। यानी कि मैंने जो बताया था आपको एडिटिव इन्वर्स करते हैं तो वही उसका तरीका है। अब लोग क्या करेंगे, सब आपस में सबको हम लोग घटा लेंगे, जैसे कि 8x में 6x घटेगा, कितना हो जाएगा 2x और 2x इक्वल 3। और इसमें जैसे हम लोग फिर वेरिएबल को ज्ञात करेंगे तो जैसे कि x हो गया और x इक्वल कितना हो जाएगा 3/2, तो फिर से हम लोग का एक चर का मान ज्ञात हो गया। तो इसी टाइप में आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो डिफिकल्ट रहेगा, और उसका आपको जैसे ही फ्रैक्शन को ही होगा तो अगले वाले को क्या करें हम लोग फ्रैक्शन में बना लेंगे, और जैसे ही फ्रैक्शन में हो जाएगा तो उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसमें जैसे आपको कुछ भारी नज़र आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपको जो भी परेशानी होगा हम अच्छा ढंग से क्लियर कर देंगे आपको।